स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। Did she cry? वह रोई थी। भूतकाल में प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए सहायक कारक क्रियापद did का उपयोग होता है। To cry यानी रोना। Children often cry। बच्चे बार बार रोते हैं। नाम के रूप में उपयोग हो तब इसका अर्थ आवाज लगाना होता है। It is a cry of distress। वह दुख की आह है। Don't cry over spilled milk। फटने वाले दूध के बारे में रोना नहीं। जो होना था वह हो गया। अब शोक व्यक्त करने से क्या फायदा? She didn't cry. She came running to us. Came, I. To कम क्रियापद का भूतकाल का रूप है। Who came to the meeting? सभा में कौन आया है? Pupils came to the school on hearing the bell. घंटी सुनकर विद्यार्थी विद्यालय में आए। Who came to inspect your school? इंस्पेक्ट निरीक्षण करना। तुम्हारी पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए कौन आया था? रनिंग दौड़ता। आईएनजी प्रत्यय लगाने से एन दो बार आया है। डिड यू फीड द मंकीज? डिड यू फीड, तुमने खिलाया। फूड यानी खुराक। उस पर से यह क्रियापद होता है। भूतकाल में प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए सहायक कारक क्रियापद डिड का उपयोग होता है। द शेफर्ड फीड्स ग्रास टू शीप। चरवाहा उसके घेटे को घास खिलाता है। नाउ फीड the children and send them to school. अब बच्चों को खिलाकर स्कूल भेजो। What do you feed this plant with? तुम इस पौधे को किसे पोषण देते हो? Feed का भूतकाल फेड होता है। He fed his guest well। उन्होंने अपने मेहमान को अच्छी तरह से खिलाया। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।